फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो जरूर बताना। टाइम्स 11 बज चुके हैं अभी। तो वेद के ट्यूशन जाने के बाद मैं एडिटिंग में लग गई थी, तो वो काम किया मैंने। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैंने जैसे आपको बताया कि भटूरे की रेसिपी मैं इस वीडियो में डाल रही हूँ, तो आप देख लीजिएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखो, इस हॉल पर हमने 2 ही महीने हो गए हैं पेंट किया हुआ है। इस हॉल पर तो नहीं, पर पीछे वाली जो हॉल है उस पर बहुत ही सीलन आ गई है। तो क्या कर सकते हैं, अभी किया है तो दोबारा नहीं करेंगे, देखते हैं दिवाली तक हो जाएगा, दिवाली में करेंगे शायद। तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो इसे छूते ही ना तो निकल आएगा तुरंत ही, पूरी दीवार में ऐसा हो गया है सॉफ्ट सॉफ्ट। चलो वे दौर में ही है तो सब्जी रोटी बना दूंगी मैं। और ये गर्म दूध किया है वो ठंडा हो चुका है, तो फ्रिज में रख देती हूँ। आटा मैंने गूंद लिया है, तो सब्जी में तड़का लगाना ही बाकी है। चलो मैं लगा लेते हैं तड़का। कल इतनी बारिश हुई थी कि बात ही मत पूछो, सुबह सुबह। और अभी तो जहाँ आप जाओ तो स्लिप हो जाओ, इतना कीचड़ जमा हो गया है। इस बार को सिर्फ पीनट का ऑयल लाए हैं, मूंगफली का, तो मुझे वो फ्लेवर वाला ऑयल नहीं पसंद है। सभी में पीनट की स्मेल आती है, खाते हैं ना। तो 3-3.5 महीना ऑयल का डब्बा हमारा चलता है पूरा, तो भुगतना पड़ेगा 3-3.5 महीने। और इसमें धुआं बहुत ही निकलता है ऑयल में, गरम तेल होता है ना तो धुआं ही निकलता है इसमें से, फटाफट से गरम हो जाता है ऑयल। चलो थोड़ा किचन का काम करके फिर आपसे मिलती हूँ। चलो पहले भटूरे के लिए आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मैदा लिया है, 1.5 कप मैदा है। और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच सूजी ली है, उसमें पानी डालकर भिगो दिया है। ऑयल है, चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं पाउडर शुगर ले रही हूँ, ये डालना ज़रूरी है क्योंकि हम डायरेक्ट ईस्ट डाल रहे हैं इसलिए। और थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं और 1 चम्मच जितना हम ईस्ट डालेंगे, और 2 टीस्पून जितना हम ऑयल डालेंगे, और सोजी इतनी डाल देते हैं, 2 चम्मच ही है। आज मैंने ईस्ट डायरेक्ट ही डाला है, ऐसे भी चल सकता है इसलिए। इन सबको हमें अच्छे से मिला लेना है पहले। सोजी हमें भिगो के इसलिए ली है क्योंकि हमें भटूरे सॉफ्ट चाहिए होता है। और आप किसी भी चीज़ को क्रिस्पी बनाना चाहते हो तो उसमें ड्राई सूजी डालना, और सॉफ्ट बनाना हो तो आपको भिगो कर डालना। तो हमारे भटूरे सॉफ्ट बने इसलिए मैंने सूजी को भिगो दिया था। थोड़े गुनगुना पानी लिया है मैंने,
और आटा लगते समय ऐसे हमें पटकना है अच्छे से, तो ये ज़रूरी है करना, हमारे भटूरे बहुत अच्छे से बनेंगे। और इतना गीला है पर सोचिए इसलिए पानी सोख लेगा सारा। इसमें ऊपर से थोड़ा ऑयल ले लेते हैं और अच्छे से नीड कर लेते हैं इसे। तो चलो इसे गर्म जगह पर रख देते हैं। चलो एक घंटा हो गया है तो आटा देख लेते हैं। देखो फूल गया है तो इसे हमें उसकी एयर निकाल लेनी है। चलो इसको अब हम बहुत गूंदेंगे नहीं, थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं ऊपर से, आटा चिपके नहीं इसलिए। तो चलो बना लेते हैं। थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेते हैं वरना चकली में चिपक जाएगा। भटूरे को कोई भी शेप में बना सकते हो, ओवल गोल, तो हम ओवल में बना रहे हैं। चलो मैं इस तरह से बना लेती हूँ, दो तीन बनाऊंगी फिर खाने के समय बना देंगे। आटा डाल के चेक कर लेते हैं कि ऑयल गर्म है कि नहीं। गरम हो चुका है ऑयल हमारा। तो हम इसे भटूरे फ्राई कर लेते हैं। हमें ऊपर से थोड़ा थोड़ा तेल भी डालते जाना है तो भटूरा हमारा अच्छे से फूलेगा। चलो मैं अंदर आ गई हूँ, दो बज चुके हैं। अब मैं सोचाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत तेज़ वाली नींद आ रही है। अभी कल भी ऐसा ही हुआ था, कल लाइट चली गई थी दोपहर को और मैं सो नहीं पाई तो मुझे इतनी नींद आ रही थी। रात के 8 बजे तक मुझे इतनी नींद आ रही थी तो कौशिक बोल रहे थे कि सोचा ना किसने मना किया है, हम सोना चाहते हैं तभी थोड़े ना नींद आती है। तो ऐसा ही चला रहा
और आज मुझे दोपहर को इतनी नींद आ रही है तो मैं अभी सो जाऊंगी वीडियो का एंड करके। तो चलो, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरा सा भी पसंद आए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना चैनल से मत जाइएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलो इस वीडियो का यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।